वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर। मैं अब से एक आपको अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एजुकेटर में वेलकम करता हूँ। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सभी ठीक हो गए और खा पी के एकदम मस्त हो गए, और नहीं खाए हो तो क्लास के बाद खा लेना, ठीक है? अभी 8 बजे से लेकर आपका क्लास चलेगा और क्लास के बाद आप लोग खा लेना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सभी लोगों को हेलो। सबसे पहले तो हाय सभी लोगों को हेलो। और क्या शुरू करें? आज जो है हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंटीग्रेशन में, ठीक है? क्लासेस ऑफ थी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का सिलेबस बहुत आगे है अभी भी, ठीक है? मतलब जितने भी चैनल्स है या फिर जहाँ पे भी मतलब ऑफलाइन तो अभी बंद है, जितने भी ऑनलाइन कोचिंग चल रहे हैं, जितने भी चैनल्स है, सभी सबसे आगे हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, ठीक है? तो इससे परेशान होने की बात नहीं है और अच्छे से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, सभी चीज। चलिए तो हम लोग को आज पढ़ना है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या पढ़ना है? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। उससे पहले आप सभी को हेलो, जितने भी लोग आ गए हो उनको हेलो, और जो नहीं आए हैं उनको आप लोग बुला लीजिए, चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए या फिर वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी आ जाए। और अब अपने दोस्तों को सभी को मतलब बुला लो। और एक बात, जितने भी लोग देख रहे हो वो जो है हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोग देख रहे हो? तो ये जो है आपके लाइक से पता चलेगा। तो फटाफट सब लोग लाइक कर दो, ठीक है? लाइक ठोक दो और फिर शुरू करते हैं हम लोग अपना इंटीग्रेशन, ठीक है? बिना किसी बकवास के हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन अपना शुरू करते हैं। तो इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ लिया? इंटीग्रेशन बनाना सीख लिया, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जान गए हैं। तो अब जो है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ये सब जान गए, तो अब जो है हमको मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जानना है। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सबसे पहली बात, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या? तो भैया ये जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, ये जो है आपका, इसका मतलब होगा कि किसी के बदले कोई चीज ला देना। मतलब कि जैसे हम हैं, मेरे बदले जो है कोई और आके, मतलब जैसे कल आपका हिंदी का क्लास हुआ था तो हिंदी का क्लास हम लेते हैं, और लेकिन क्या हुआ, कल जो है मेरे बदले अमन भैया आके ले लिए क्लास। तो ये जो है वो जो है हमको अमन भैया ने क्या किया, हमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब मेरे जगह पे वो आ गए। तो किसी के जगह पे किसी को रख देना और फिर उससे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डीएक्स उसका जो मतलब वैल्यू होगा उसको निकालेंगे और फिर वहां पे डाल देंगे, ठीक है? अच्छा एक बात और, ये जो है मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है, तो इसमें आप सोचो किसके बदले हम लोग क्या मानेंगे, ये सवाल आपको आएगी। अभी शुरू करने से पहले ये सब क्लियर कर देना चाहते हैं, फिर शुरू करेंगे फिर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आप एक बात याद रखना, जो भी आपको परेशान करे, जो भी फंक्शन आपको अच्छा, कोई आपको परेशान करता है, कोई बच्चा आपको परेशान करता है, कोई आपका दोस्त परेशान करता है, तो क्या करते हो, उसको आप अपने फ्रेंड लिस्ट से हटा देते हो, मतलब कि उसको भगा देते हो, ठीक है? तो उसी तरीके से यहां पर भी जो आपको परेशान करे, मतलब जो फंक्शन आपको परेशान करे, उस फंक्शन को हटा देना है। मतलब कैसे हटाना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है, उसके बदले कुछ मान लेना है, ठीक है? तो बहुत आसान चीज है ये। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अपना इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या है हमारा टॉपिक? इंटीग्रेशन। अच्छा, एनसीईआरटी में एक साथ सभी चीज दे दिया, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सभी एक साथ दिया, लेकिन हम लोग एक एक करके अच्छे तरीके से समझेंगे। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? क्या है हमारा टॉपिक? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या है हमारा टॉपिक? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? चलिए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो आपको पता है, इंटीग्रेशन बाय, देखो यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूट करना, क्या करना? सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है? अब हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा परेशानी होगी यहां पे कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ना। तो भैया कोई परेशानी मत करो, आप लोग देख लो अपने एनसीईआरटी बुक में, देख लो कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, ठीक है? 7.2 का लेक्चर इंट्रोडक्शन निकालो, थ्योरी निकालो और देख लो कि क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को, क्या कहते हैं, ठीक है? और यहां पर भी आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि क्या कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को, आखिर कहते क्या है, ठीक है? चलिए तो वो बात तो
भूलते हैं हम लोग और यहाँ पे आते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन आज हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में जो है, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन रहे इस तरीके का, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए, इंटीग्रेशन है और यहाँ पे जो है एक फंक्शन है, मान लो ax अब प्लस का b है और उसका पावर n है, क्या है n है और ये dx है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, क्या इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो आपने पढ़ा है x का पावर n जब रहता है तो क्या करते हैं, x का पावर n प्लस 1 बटे का n प्लस 1 करते हैं। तो क्या भैया ये जो है यहाँ पे x तो नहीं है, यहाँ पे यहाँ तो ax प्लस भी है, तो इस तरीके से कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मतलब क्या कि ये जो है हमें परेशान कर रहा है, क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें परेशान कर रहा है, इसीलिए जो है इसको हम लोग नहीं चलेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलेंगे। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से चलेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें परेशान कौन कर रहा है यहाँ पे, तो हमें ये वाला जो फंक्शन है ये हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। ये वाला जो फंक्शन है हमारा क्या कर रहा है, हमको परेशान कर रहा है। तो बस इसके बदले क्या करो आप लोग, मान लो, तो क्या मान लेंगे, लेट, क्या हम करेंगे, लेट, लेट क्या एक्स प्लस बी बराबर टी, मान लो क्या मान लिए हम लोग, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या माने हम लोग, टी मान लिए। तो यहां से क्या हुआ, अब क्या करेंगे, अब जो है यहां पे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे, देन तब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी बराबर टी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी ए एक्स बटे का डी एक्स प्लस डी डी एक्स और यहाँ पे b, अब बराबर का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, एकदम तोड़ तोड़ के डिफ्रेंशिएशन आपको हम बता रहे हैं। अब देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका a कॉन्स्टेंट और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो a हो गया, प्लस b कांस्टेंट है तो 0 हो गया, ठीक है, बराबर का dt by dx आ गया ना। अब देखो, अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, तो हमने इसको तो मान लिया, क्या मान लिया, t मान लिया, तो t मान लेंगे, t जब हम लोग इसको मान लिए तो यहाँ पे dt होना चाहिए था, तो dx के बदले मतलब dt हमको निकालना है, dx के बदले वहां पे क्या डालना है, dt डालना है, तो dt भैया यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, dt बराबर आपका हो जाएगा, ये dx इधर आ जाएगा तो a dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a dx हो जाएगा, इस प्रकार dt बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, dt बराबर क्या हो जाएगा, ए डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सिंपल है ना, अब देखो ये डी टी बराबर, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, डी टी बराबर हम लोग क्या निकाले, डी एक्स बराबर निकालेंगे ना, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स बराबर निकाल लेंगे तो डी एक्स से जहाँ पे वैल्यू डाल देंगे डी टी वाला तो हो जाएगा, चलो तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स इधर आ जाएगा, डी टी उधर चल जाएगा, मतलब डी टी बाई ए हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। चलो अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, अब यहां देखो, यहां जो तो ए एक्स प्लस बी है ना, क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी का पावर एन डी एक्स है। अब देखो तो हम लोग ए एक्स प्लस बी के जगह पे क्या मान लिए, टी मान लिए, तो टी का पावर एन हो गया, और डी एक्स के बदले क्या आया भैया, तो डी टी बाई ए आया ना यहाँ पे, देखो डी टी बाई ए आया, तो बस डी टी बाई ए वहां पे डी एक्स के बदले क्या डाल दो, डी टी बाई ए डाल दो। तो ये जो है ए कॉन्स्टेंट है, तो ए क्या है, नीचे में है, मतलब वन बाई ए बाहर निकल जाए, जो कॉन्स्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, तो बस इस प्रकार बाहर निकल गया ना। अब देखो तो यहाँ पे क्या बचा, टी का पावर एन dt बच गया ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, अब देखो t का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो ये जस्ट लाइक x का पावर n जैसा है ना, तो बस फॉर्मूला लगा दो, तो t का पावर n का क्या हो जाएगा, t का पावर n प्लस 1 बटे का n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, मतलब कि 1 बाई a इंटू, अब t के जगह पे क्या है आपने माना हुआ, t के जगह पे ax प्लस b आपने मान लिया है, तो बस वैल्यू डाल दो,
एक्स प्लस बी का पावर एन प्लस वन बटे का एन प्लस वन प्लस का सी, यही जो है आपका क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। तो देखो ये कैसे बनेगा, हमने सबसे पहले इसको बनाया, इधर में यहां तक किया, फिर उसके बाद जो है हमने इसको यहां तक किया। तो ध्यान से आप इसको नोट कर लो, ठीक है, जो फंक्शन आपको परेशान करे उसके बदले आप टी मान लेना, जो भी फंक्शन आप लोग को परेशान करता है उसके बदले हम लोग क्या मान लेते, टी मान लेते। तो बताइए आप सभी लोग नीचे में बताइए, कमेंट करके बताइए, मतलब कि लाइव चैट में बताइए, चैट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आया। अब इसी तरीके का क्वेश्चन हमको मिलेगा, हम लोग ढेर सारा इस पे क्वेश्चन करेंगे तब जाके हमारा डाउट क्लियर होगा। तो क्या ये समझ में आया बताइए, और जिनको मतलब कि सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, सभी लोग क्या करो नोट कर लो इसको, फिर जो हम लोग इस पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये जो है एक आपको ओवरव्यू दे दिया गया कि इस प्रकार होता है, ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्या करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन करेंगे अब इस पे। बहुत इजी है ये जो टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। चलो क्वेश्चन कर लीजिए, आ जाओ। चलो क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 3x plus 5 का पावर 7dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो चलिए कीजिए, तो आप लोग जल्दी जल्दी, तब तक हम इंक डाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग करो, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है, करो तब तक हम इंक डाल लेते हैं। चलिए हो गया, आ जाइए हम मिल के करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, आप लोग किए हो गए तो सही है। चलिए आंसर आप लोग दिए हो, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, हम आप लोगों का आंसर देख रहे हैं, ऐसा मत समझना कि हम नहीं देख रहे, नीचे में देख लो, देख रहे हैं आप लोग का आंसर। चलो तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ, तो हमको परेशान कौन कर रहा है, ये वाला हमको परेशान कर रहा है, 3x plus 5 जो है हमें क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3x plus 5 बराबर मान लेते हैं। तो मान लो लेट क्या करेंगे, लेट क्या करेंगे, 3x plus 5 बराबर का क्या मान लिए, टी मान लिए। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, प्लस 5 का 0 हो जाएगा, और इधर dt/dx हो जाएगा ना। तो मतलब क्या हुआ, dx बराबर निकालना है, तो dx बराबर क्या होगी, ये 3 उधर चला जाएगा, ये तो 0 वाला कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब dt 1/3 into dt हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा ना। अब देखो, अब हम लोग इसको लिख देते हैं यहाँ पे, क्या 3x plus 5 के बदले हम लोगों ने क्या मान ला है, t माना है, तो t का पावर 7, ज्यादा ही निकला गया, क्या है t का पावर 7 हो जाएगा, है ना, और dt, अब dt चाहिए ना, तो dx के बराबर क्या है, dx के बराबर क्या है, तो dx के बराबर 1/3 dt आया, तो 1/3 dt आ गया। अब देखो हम लोग कुछ नहीं किए, यहाँ पे हम लोग मान लिए, मानने के बाद dx निकाल लिए, dx निकालने के बाद बस इस वाले क्वेश्चन में बस वैल्यू डालते गए, जो जो हमने माना है उसका।
तो बस ये इस प्रकार हो गया, मतलब ये 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, टी का पावर 7 बच जाएगा और डी टी बच जाएगा। मतलब क्या हुआ, टी का पावर 1/3 तो बाहर ही रहेगा इस तरीके से, टी का पावर 7 का मतलब क्या हुआ, टी का पावर सेवन है ना, तो मतलब क्या हुआ, टी का पावर 7+1 बटे का 7+1 अब प्लस का सी, मतलब 1/3 इंटू टी का पावर 8 बटे का 8 हुआ प्लस सी, मतलब कि टी का पावर 8 बटे का 8 3 जा 24 अब प्लस का सी हुआ, मतलब कि टी के जगह पे हमने क्या माना, 3x+5 माना, तो 3x+5 का पावर 8 बटे का 24 अब प्लस का सी आंसर, ठीक है। अच्छा देखो देखो देखो, हम लोग अगर इसको पूरे को फंक्शन मान के चलते फिर भी हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है, लेकिन उस तरीके से नहीं बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से बनाएंगे क्योंकि हमको तो 2 में 2 नंबर चाहिए, 2 out of 2 नंबर चाहिए ना, तो बस इसीलिए जो है 2 में से 2 नंबर चाहिए, इसीलिए जो है हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, जिनसे नहीं बना वो नोट कीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर जो है आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आ जाओ। फोर माइनस 9x का पावर 5 ds यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जी सॉल्व करो, देखो कितना आता है आंसर, फिर जो है कुछ देर रुकते हैं, फिर जो है हम भी आपके साथ सॉल्व करें। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, तो क्या होगा इसका आंसर फटाफट, हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, आ जाओ क्या करते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये चीज परेशान कर रही है, तो मान लो लेट क्या कर लो, 4 - 9x क्या कर लो, 4 - 9x बराबर का t मान लो, अब dt by dx निकाल दो ना, तो ये तो 0 हो जाएगा, -9, 9x का 9 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, dt by dx हो जाएगा, मतलब क्या आया, -9 बराबर dt by dx आ गया आपको। अब देखो क्या आ गया, dt by dx आ गया, ठीक है, बहुत कम लोग क्लास कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है ये। चलिए तो ये क्या हो गया, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt by 9 और माइनस लगा हुआ है, मतलब -dt by dx आ गया, dx और -dt by 9 आ गया, ये क्लियर है यहां तक आप लोगों को। अब देखो अब क्या करो, इसमें वैल्यू डाल दो, जो जो आया उसका वैल्यू डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो बस सब्स्टिट्यूट हम लोग कर देते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। तो 4 - 9x है, इसके बदले t है, अब 4 - 9x का पावर 5 है, तो बस 5 हो गया। dx dx के बदले हमको क्या आया, यह चीज आया, मतलब -dt by 9 आ गया यह चीज, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे तो dt का पावर 5, तो t का पावर 5 रह जाएगा इस प्रकार से, और dt का dt रह जाएगा, अब बच क्या गया, -1/9 बच गया ना, तो -1/9 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, -1/9 इधर आ जाएगा, ठीक है। चलिए इधर आ गया, आ गया ना इधर, अब देखो अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक समझ में आया ना, अब देखो यहाँ पे चलते हैं, आ जाओ। तो यहां क्या है, -1/9 है ना, -1/9 टी का पावर 5 का क्या हो जाएगा, तो टी का पावर 5 का इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि टी का पावर 5+1 बटे का 5+1 अब प्लस का सी हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, -1/9 टी का पावर 6 बटे का 6 प्लस सी हो गया, मतलब -1/9 और टी का पावर 6, तो टी किसके माना हमने, तो 4 - 9x को माना, टी इसी को माने है ना, तो बस यहाँ पे डाल दो, क्या हो जाएगा, 4 - 9x का पावर 6 बटे का 6 अब प्लस का सी, यही जो है आपका क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अच्छा एक एक लाइन और इसमें पढ़ जाएगा, एक लाइन और इसमें बढ़ा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं, -4 - 9x का पावर 6 अब बटे का 9 6 जा 54 अब प्लस का सी आंसर, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपसे तो अब शायद नहीं छूटेगा, ठीक है, चलो इसको नोट करो फिर जो है आगे बढ़ते हैं।
चलो नोट हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? यह क्वेश्चन है क्या है, रूट एक्स प्लस बी का पावर रूट एक्स प्लस बी डीएक्स है ठीक है। चलिए तो यह क्वेश्चन है, इसको बनाना है तो हम लोगों को परेशान कौन पड़ रहा है, तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ रखा है रूट एक्स का पढ़ रखा है, तो परेशान कौन कर रहा है, तो एक्स प्लस बी हमें क्या कर रही है, परेशान कर रही है, तो बस जो परेशान कर रही है उसको भगा देंगे, तो भगा के टी रख लो, तो मतलब कि लेट एक्स प्लस बी बराबर का टी मान लिए। अब क्या करो, डी टी बाई डी एक्स निकाल दो, बस निकाल दो यहाँ पे, तो ये तो ए हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो ए हो जाएगा, प्लस का 0 बराबर का क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप लोग डिफरेंशिएट करके देखना, आ जाएगा आपको ए बराबर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, मतलब कि डी एक्स बराबर क्या आ गया, 1 बाई ए इंटू डी टी आ गया, बस याद रखना इसको, यहाँ है ठीक है, और यहाँ पे इसको आपने माना है ठीक है। अब देखो, अब इस चीज को और इस चीज को इस चीज में डाल दो, तो डालो, आओ डालते हैं, साथ में डालते हैं। चलो तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी के जगह पे क्या डालेंगे, टी डाल देंगे, टी हो गया। डीएक्स के जगह पे क्या डालेंगे, इसको डाल देंगे, मतलब 1 बाई ए डी टी हो गया। इस प्रकार से मतलब क्या हुआ कि वे 1 बाई ए कॉन्स्टेंट आया, कॉन्स्टेंट को बाहर मतलब इधर, अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर आपका बच जाएगा रूट टी इंटू डी टी। अच्छा, सेम फंक्शन, डी टी फंक्शन और डी टी के साथ में इंटीग्रेशन, तो ये तो बात बन गई। अब देखो क्या हो जाएगा, तो 1 बाई ए अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो चलो आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा, यहां देखो तो 1 बाई ए का जगह पे 1 बाई ए रह जाएगा। अब देखो रूट टू, अब रूट टी बोले तो रूट एक्स डी एक्स आपने पढ़ा है तो क्या होता है, 2 रूट एक्स होता है, यही होता है ना, 2 रूट एक्स होता है, तो बस कर दे क्या, 2 रूट एक्स होता है, नहीं, 2 रूट एक्स नहीं होता है, देखो कैसे होता है, तो क्या हो जाएगा, अब तो रूट एक्स रूट टी है ना, तो रूट टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी का पावर 1 बाई 2 डी टी लिख सकते हैं, मतलब कि 1 बाई ए, अब क्या हो जाएगा इधर 1 बाई ए, मतलब कि टी का पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 है ना, 1 बाई 2 प्लस 1 बटे का 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस का c, मतलब 1 बाई ए इंटू टी का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, मतलब कि 3 बाई 2, 3 बाई 2 बटे का 3 बाई 2, इस प्रकार से प्लस का सी, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2 बाई 3 ए, और टी का पावर इंटू टी का पावर 2 बाई 3 प्लस c, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, 2 बाई 3 ए, टी का पावर क्या हो जाएगा, तो टी 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 ए एक्स प्लस बी हो गया, तो बस डाल दो ए एक्स प्लस बी का पावर 2 बाई 3 और प्लस का सी, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। बताओ कितना इजी है ना, इजी। चलो तो अब अच्छा, इसके बदले आप लोग, एक और आंसर आपका दिया जा सकता है, एक तो आपको अगर इस तरीके का ऑप्शन है तो ठीक है, अगर इसके अलावा और करके देखो इसका एक और आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, तो 2 बाई 3 ए के जगह पे 2 बाई 3 रहेगा, स्क्वायर है तो ये तो उसी तरीके से रह जाएगा, मतलब एक्स प्लस बी का स्क्वायर इंटू क्या होगा, इंटू, अब इंटू में क्या हो जाएगा, 1 बाई 3, तो मतलब √3 ठीक है, मतलब ए एक्स प्लस बी का पावर 1 बाई √3 एक्स प्लस बी प्लस का सी, यह भी आंसर हो सकता है, मतलब दोनों आंसर हो सकता है ठीक है। चलिए और करके, चलिए तो बस इसी आंसर को मॉडिफाई किया हुआ आंसर नीचे में दिया हुआ है। चलिए तो इसको आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो इसको जो है स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलो चलो हो गया, बहुत देर रुक गए भैया आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए। लो 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 बना, ठीक है आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ठीक है आ जाओ। अब देखो cos 2x dx, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते एकदम आसान तरीके से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पे हमको परेशान कर रहा है cos x का डिफरेंशिएशन हमको पता, लेकिन cos 2x का डिफरेंशिएशन नहीं पता, 2x हमें परेशान कर रहा है बस। मान लो तो मान लो क्या मान लो, लेट 2x बराबर t मान लो, तो dt by dx निकाल दो, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ dt by dx हो जाएगा, मतलब कि क्या आ गया dx क्या आ जाएगा आपका 1 by 2 into dt आ गया सिंपल। अब बस इसमें डाल दो, तो cos 2x से जहाँ पे क्या है 2x से जहाँ पे t माना है तो cos t, और dx से जहाँ पे क्या है तो ये है 1 by 2 dt, मतलब 1 by 2 बाहर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t और dt हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखो 1 by 2, अब देखो cos t के जगह पे क्या हो जाएगा, cos t का आपने क्या पढ़ा है cos t, cos t, cos t का आपने क्या पढ़ा है तो माइनस sin t, यही पढ़ा है ना, cos t का क्या पढ़ा है आपने तो माइनस, सॉरी माइनस बोल रहे हैं, cos का प्लस होता है सॉरी, ठीक है तो प्लस sin t पढ़ा है, तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t होता है, sin t हो जाएगा, अब प्लस का c हो जाएगा, मतलब कि 1 by 2 sin t का, t के जगह पे क्या 2x, मतलब 1 by 2 sin 2x plus c क्या आ गया आंसर। अच्छा अब देखो इसका हमने cos 2x का इंटीग्रेशन पीछे भी पढ़ रखा है, लेकिन लेकिन आप लोग ध्यान रखना वो वाला हम लोग कब बनाएंगे, जब हमको ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा तब उस तरीके से बनाएंगे, लेकिन अगर आपको दो नंबर वाला क्वेश्चन होगा, दो नंबर या क्वेश्चन होगा तो उसमें आप लोग यही वाला फॉर्मूला से चलोगे, मतलब इसी से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम लोग चलेंगे ठीक है। तो बोलिए ये समझ में आया ना आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई तो दे रहा है, चलिए तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमें समझ में आ गया, आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पे चलते हैं यहां जगह आ जाओ। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका e का पावर 5x प्लस 3 dx, यह है क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, तो आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व होगा या नहीं होगा आप लोगों से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए नीचे में कि आप लोग सॉल्व होगा या नहीं होगा, चलिए बताइए बताइए बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए 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 सॉल्व होगा आप लोगों से, चलिए हो जाएगा, मतलब कि कुछ बच्चों से हो जाएगा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ। तो e का पावर 5x प्लस 3 है, परेशान कौन कर रहा है, 5x प्लस 3 हमें परेशान कर रहा है, बस इसके बदले t मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 5x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो 5 बचेगा और 3 का 0 बचेगा, और इधर क्या बचेगा dt by dx बचेगा, मतलब कि 5 बराबर क्या आ गया dt by dx आ गया, मतलब क्या dx बराबर क्या आ गया 1 by 5 into dt आ गया, सिंपल आ गया ना। अब देखो अब वैल्यू डाल देते हैं उस चीज में, तो e का पावर 5x मतलब कि t, e का पावर 5x बराबर t हमने माना है ना, तो बस वो वैल्यू डाल दिए, into dx, dx है ना, तो dx यहाँ पे क्या आ गया 1 by 5 into dt आ गया, 1 by 5 कांस्टेंट आया तो 1 by 5 बाहर निकल जाएगा, e का पावर t into dt हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो तो 1 by 5 के जगह पे 1 by 5 हो जाएगा, e का पावर t का क्या हो जाएगा, e का पावर t ही रहेगा, अब प्लस का c हो जाएगा, तो e का पावर t, e का पावर t, तो t के जगह पे क्या 5x plus 3, मतलब 1 by 5 e का पावर 5x plus 3 और प्लस का c हो गया, यही जो है आपका क्या गया आंसर। अच्छा देखो एक और चीज, एक ट्रिक सिखाते हैं आपको, कहां गया भैया, एक ट्रिक आपको सिखाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है,
अब देखो अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए, अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए और e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर x होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए, आपन लोगों को क्या करना है, e का पावर x के जगह पे यहाँ पे क्या है 5x plus 3 है, तो बस 5x plus 3 डाल देना है, प्लस का c डाल देना है। अब x का कोफिशियंट क्या है, तो x का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 5x में x का कोफिशियंट, तो x का कोफिशियंट क्या है, तो x का कोफिशियंट आपका 5 है, तो बस 1/5 कर देना है, बस यही जो है आपका आंसर। देखो तो इसी प्रकार का आंसर आया ना यहाँ पे, देखो तो बस इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है ऑप्शनल में करेंगे, ऑप्शन वाले में, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए चलिए, तो ये क्वेश्चन समझ में आया ना आप लोगों, अच्छे तरीके से आ गया होगा सर, ठीक है। चलो तो जल्दी 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 इसको सॉल्व करो, जल्दी जल्दी बनाओ इसको, फिर जो है हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मिटाते हैं अब इसको। बारिश हो रहा है बाहर, आप लोगों के यहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है? हमारे यहाँ तो बहुत सारा बारिश हो रहा है, शायद आप लोगों के यहाँ भी हो रहा होगा। क्या सर जी हो रहा है? चंदन है या नहीं है यहाँ पे? चंदन, चलिए एमडी अरमान नहीं आ रहा है, छोड़ो। क्वेश्चन है हमारा, sec स्क्वायर 3x प्लस 5 dx, यह हमारा क्या है क्वेश्चन है, यह क्या है हमारा क्वेश्चन है, और इसको जो है आपको सॉल्व करना है। तो आ जाओ सॉल्व करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो आप लोग, सबसे पहले तो आप लोग सॉल्व करो, फिर जो है हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व हो जाए ना, सभी लोग बताओ सॉल्व होगा या नहीं होगा, बताइए सभी लोग बताइए, सॉल्व होगा ना, सॉल्व हो जाएगा ना, ये बोला क्वेश्चन बताओ सभी लोग, सॉल्व हो जाएगा ना, हो जाना चाहिए, सॉल्व आपसे हो जाना चाहिए। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है मान लेंगे, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, किसको मान लेंगे, जो हमें परेशान कर रहा है, तो हमें परेशान कौन कर रहा है, 3x plus 5 हमें परेशान कर रहा है, बस मान लो 3x plus 5 बराबर का t हमने मान लिया, 3x plus 5 बराबर क्या मान लिया हमने, t मान लिया, बस सिंपल। अब देखो, अब जब हम लोग मान लिए तो dx by dt निकाल दो, तो 3 plus 0 बराबर dt by dx हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो क्या हो जाएगा, तो dx बराबर आपका क्या आ जाएगा, तो 1/3 into dt आ जाएगा, आ जाएगा ना 1/3 into dt आ जाएगा। अब देखो तो यहां पे बस वैल्यू डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो sec स्क्वायर 3x plus 5, तो 3x plus 5 के जगह पे क्या t, i into dx के जगह पे क्या dx है, तो dx के जगह पे क्या 1/3 dt, यहाँ पे क्या हो गया 1/3 कॉमन आ गया, कांस्टेंट है इसलिए। अब अंदर क्या बच गया, तो अंदर बच गया आपका sec स्क्वायर t, और यहाँ पे dt बच गया। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन आप लोग को आता है क्या होता है, 1/3 तो यहाँ पे कॉमन है, तो 1/3 हो जाएगा, इंटू sec स्क्वायर t का आता है, तो sec स्क्वायर का क्या होता है tan होता है, क्या होता है tan होता है, तो बस तो यहाँ क्या हो जाएगा tan t प्लस का c हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो तो 1/3, अब tan tan t के जगह पे क्या, तो t के जगह पे हमने इसको माना है 3x plus 5 को माना है, तो बस 3x plus 5 डाल दो, डाल दे रहे हैं हम लोग 3x और प्लस का 5 और प्लस का c, यही जो है हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अब इससे यह क्वेश्चन आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आता है, sec स्क्वायर 3x plus 5 है, क्या है आपका क्वेश्चन, sec स्क्वायर 3x plus 5 dx है ना। अब चलो, अब देखो sec स्क्वायर का आप लोग जानते हो tan होता है, tan में होता है sec x का क्या होता है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, तो tan x होता है, होता है tan x होता है, तो बस tan x के जगह पे क्या है यहां पे 3x plus 5 है, और x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो मतलब 1/3 plus का c, बस आंसर बताओ सेम आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में चलेगा, ये वाला ट्रिक ऑब्जेक्टिव में हम लोग करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में चलेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए,
तो समझ में आया ना ये चीज, चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए शायद आपसे बन गया होगा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अब कर ले रहे हैं ना बोर्ड पे, अच्छी बात है, बोर्ड पे ही सही है। लाइव लाइव जिनको करना है करो क्लास, जिनको नहीं करना है मत करो, लाइव तो नहीं चलेगा, बस इसी तरीके से क्लास चलेगा, ठीक है, इसी तरीके से क्लास चलेगा। लाइव का आप लोग सोच रहे हो तो लेते रहो, का जहां करना है लाइव कर लो, हम तो नहीं करवाने वाले, हम तो इसी तरीके से करवाएंगे आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है, देखना है सिर्फ, है ना, इसको क्या करना है, देखना है, फ्रेम लगा के रख पा लेना है। नहीं, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको, बनाइए बनाइए, जिनको आता है बनाइए, जिनको नहीं आता है वो देखिए यहाँ पे, बनाइए आप लोग जल्दी जल्दी, जिनको आता है बनाइए, जिनको नहीं आता है वो देखिए यहाँ। आज गर्मी कम है, बाहर का गेट खोल दिए ताकि हवा आते रहे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है, हमने 1/x dx का इंटीग्रेशन पढ़ा है, लेकिन हमने log x का इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। तो जिसका इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, हम लोग log x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, मतलब log x जो है हमें परेशान कर रही है। क्या कर रही है log x? हमें परेशान कर रही है। तो बस मान लो ना log x बराबर क्या मान लो, t मान लो, एक मिनट, log x बराबर t मान लो, सिंपल मान लिए। अब क्या करो, dt/dx निकाल लो, निकाल लेना। तो log x का क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इधर dt/dx हो जाएगा, मतलब क्या dx बराबर क्या आ जाए, या x उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब dx बराबर क्या आ गया, x dt आ गया, क्या आ गया, x dt आ गया, इस प्रकार से आ गया ना। चलो अब देखो x dt आ गया, dx बराबर x dt आ गया। अब इस पूरे में वैल्यू डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो log x के बराबर आपने क्या माना, तो log x के बराबर हमने t मान लिया, तो log x से जहाँ पे t हो जाएगा और 1/x। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, चलो आ जाओ, आ जाओ यहाँ देखो। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये चीज आया, क्या आया, 1/x बराबर dt/dx आ गया, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, तो हमको उस साइड में dt चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है क्या है, x dx है,
तो एक्स डी एक्स कैसे आएगा? अब हम लोग यहाँ पे log x को t माने तो यहाँ तो t हो जाएगा और बच क्या जाएगा, dx by x बच जाएगा। तो dx by x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx by x बराबर का dt हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो अब देखो, तो ये चीज आ गया, अब बस ये वैल्यू वहां पे डाल दो। तो मतलब कि log x जहाँ पे t, अब इंटू, अब देखो ये डी एक्स बाई डी एक्स है ना, तो एक्स बाई डी एक्स हम लोगों को आया है, मतलब डी एक्स बाई एक्स आया है ना। तो मतलब कि इसके जगह पे हम लोग टी डाल सकते हैं। तो टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो टी का होता है 1 + 1 / 1 + 1 + c, मतलब कि टी का पावर 2 / 2 + c। और टी क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का पावर 2 / 2 + c क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बताइए हो जाएगा ना। चलो ये क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़े। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। चलो मिटाए, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। sec स्क्वायर log x बटे का x, यस। इसको आपको क्या करना है, देखना है बस, ठीक है। सॉल्व करना है तो करो, जल्दी सॉल्व करो आप लोग, जल्दी इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है। परेशान क्या कर रहा है हमको, लॉग एक्स परेशान कर रहा है। तो बस मान लो ना, लेट लॉग एक्स बराबर टी कर लो, लॉग एक्स बराबर टी कर लोगे तो लॉग एक्स का क्या आ जाएगा, 1 / x आ जाएगा। तो 1 / x बराबर क्या आ जाएगा, dt / dx आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब देखो, तो dx by x बराबर dt आ गया, यह आ गया। अब देखो था ना यहाँ पे dx by यह है ना, तो बस ये आ गया। अब देखो क्या करो, अब उस पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो sec स्क्वायर log x, तो sec स्क्वायर log x के बदले हमने क्या माना, t मान लिया। तो बस sec स्क्वायर t into dx by x, मतलब dx by x, तो dx by x से यहाँ पे क्या, dt, तो into dt हो गया। मतलब कि क्या आया, sec स्क्वायर t का क्या आ जाएगा, तो tan t आ जाएगा, क्या आएगा, tan t प्लस का c आएगा ना। मतलब क्या, tan t आया, तो tan t के जगह पे क्या, तो t के जगह पे हमने माना log x माना, तो t के जगह पे क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बताओ कितना आसान है ना, tan log x प्लस c हो गया आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, बहुत आसान है यार, सबसे इजी पार्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सबसे इजी पार्ट से इंटीग्रेशन का, नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर हो रहे हो क्या आप लोग, बोर मत हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ ना यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक टाइप का क्वेश्चन तो कर नहीं रहे हम लोग, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन कर रहे। आ जाओ, e का पावर, अब क्वेश्चन देखो, ये जितना भी क्वेश्चन करवा रहे ना, इसी के अंदर से क्वेश्चन आएगा, देख लेना आप एग्जाम में। यह आपका क्वेश्चन है, e का पावर tan इनवर्स x बटे का 1 + x² dx, ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। अब देखो सॉल्व करो, किसके बदले हम लोग क्या मानेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, यहाँ पे किसके बदले क्या मानेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ, क्या है e का पावर tan इनवर्स x बटे का 1 + x² है, बताओ किसके बदले हम लोग क्या मानेंगे, बताइए क्या मानेंगे, किसके बदले हम लोग क्या मानेंगे, जल्दी जल्दी बताओ।
इसके बदले क्या मानेंगे? चलो बहुत बढ़िया, इसके बदले क्या मानेंगे? टेन ही। अब देखो हम लोग वन प्लस क्या वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा है, क्या होता है टेन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन थोड़े पढ़ा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना। तो बस मान लो, क्या मान लो, लेफ्ट या फिर सीधा लिखो, सीधा ही लिखो, क्या लिखो, tan इनवर्स x बराबर का t लिखो, क्या लिखो, tan इनवर्स x बराबर का t लिखो। तो क्या हो जाए tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर बराबर का dt बाई dx हो जाए, हो जाए। अब देखो यहाँ पे क्या है, dx बटे का 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर है, मतलब कि ये dx उधर ले जाएंगे तो वही वाला चीज हो जाएगा, dx by 1 plus x square, यही वाला, मतलब dt, ये वाला चीज हो गया ना। और यहाँ पे tan inverse x बराबर t, यहाँ पता है। अब देखो, अब बस देखो क्या कर दो, यहाँ पे e का पावर tan inverse x है ना, e का पावर tan inverse x है ना, तो e का पावर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x के जगह पे क्या माना हमने, t माना, तो e का पावर t बटे का, अब क्या हो गया, देखो 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 dx by 1 plus x square, इसके बदले क्या लिख देंगे हम लोग, dt लिख देंगे, तो dt लिख दो, सिंपल। अब हम लोग e का पावर t का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, e का पावर t ही होता है, e का पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e का पावर t होता है, होता है ना, क्या हुआ यहां पे, हिल गया, चलो देखो e का पावर t अब प्लस का c होता है। अब देखो e का पावर t प्लस c, मतलब e का पावर क्या होगा, e का पावर t, t क्या है, tan इनवर्स x है, तो बस क्या हो जाएगा, e का पावर tan इनवर्स x अब प्लस का c, यह जो है क्या हो गया आपका, आंसर हो गया। बताओ कितना इजी है, यही जो है क्या है आपका, आंसर हो गया, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं, आ जाओ इसको सॉल्व करो, आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो आई थिंक आपको, आपसे नोट्स हो गए, नोट हो गया होगा, आप इसको मिटाते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, साइन रूट एक्स बटे का रूट एक्स डीएक्स, यहां का क्या है क्वेश्चन। अब देखो हमें यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन रूट एक्स का नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं ना पढ़े हैं, साइन रूट एक्स का इंटीग्रेशन पढ़े नहीं पढ़े, रूट एक्स हमें परेशान कर रहा है। तो बस मान लो क्या कर लो, रूट एक्स बराबर टी कर लो, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो अब क्या हो गया, डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, या फिर डी टी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डी टी बराबर हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बटे का रूट एक्स, अब 2 को इधर भेज दो क्योंकि 2 तो है नहीं, तो डी एक्स बाई रूट एक्स, देखो डी एक्स बाई रूट एक्स है ना, तो बस डी एक्स बाई रूट एक्स क्या हो गया, 2 डी टी हो गया, याद रखना। अब देखो बस उस चीज में वैल्यू डालो, तो साइन और रूट एक्स से जहाँ पे क्या, तो रूट एक्स से जहाँ पे हमने क्या माना, टी मान लिया, तो साइन टी अब बटे का डी एक्स बाई रूट एक्स क्या हो गया, डी एक्स, डी एक्स बाई रूट एक्स क्या हो गया, तो 2 डी टी हो गया। तो बस यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ पे थोड़े डालेंगे dx by root x, मतलब इसके जगह पे तो क्या हो जाएगा, 2 dt हो जाएगा ना। अब 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो sin t dt का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 बाहर ही रहेगा, 2 बाहर रहेगा into sin t, sin t का क्या होता है, माइनस cos t होता है, sin t का क्या होगा, माइनस cos t होगा, cos t अब प्लस का c होगा ना, माइनस cos t प्लस का c होगा। आप देखो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस का सी, मतलब क्या, माइनस टू कॉस, और टी के जगह पे क्या माना हमने, तो टी के जगह पे हमने माना रूट एक्स माना, तो माइनस टू कॉस रूट एक्स प्लस का सी,
यह जो है क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर आ गया माइनस टू कॉस रूट एक्स प्लस सी, क्या आ गया आपका आंसर आ गया, बताइए आ गया ना। चलिए तो ये आप बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व इसको नोट कीजिए, फिर जो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो नोट करो इसको, नोट कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई, सोचिए मत नोट कीजिए। चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है, और एग्जाम में भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। चलो यहां पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आएगा और आता भी है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखो क्या है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी है और मजा, अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, साइन क्यू एक्स डी एक्स, ये थ्री नहीं है, ये पावर में है, अच्छा से लिख देते हैं बड़ा सा, साइन क्यू एक्स डी एक्स है, ठीक है, साइन क्यू एक्स डी एक्स है, ठीक है। अब देखो ये थ्री नहीं, ये पावर में, अब देखो ये कैसे सॉल्व हुआ, अगर आपको आता है तो बताइए नीचे में कैसे सॉल्व हुआ, जल्दी जल्दी बताइए कैसे सॉल्व हुआ, बताओ जल्दी जल्दी सभी लोग बताओ कैसे सॉल्व हुआ। चलिए तो देखिए कैसे सॉल्व हुआ, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, साइन थ्री एक्स बराबर क्या पढ़ रहा है, साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स पढ़ा है हमने फॉर्मूला, यह फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, बोलो तो पढ़ लिया है ना। अब देखो अब हमको साइन क्यू एक्स चाहिए ना, तो ये साइन क्यू एक्स इधर है, अच्छा, तो फोर साइन क्यू एक्स लिख सकते हैं, इसे साइन क्यू एक्स को इधर उठा के लिया तो प्लस में हो गया, और इधर क्या बच जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स बच जाएगा, इस तरीके से यह वाला उधर चला गया। अब साइन क्यू एक्स सिर्फ चाहिए तो साइन क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर थ्री, पूरा में वन बाई फोर मल्टीप्लाई होगा, मतलब वन बाई फोर थ्री साइन एक्स माइनस साइन क्यू एक्स माइनस साइन थ्री एक्स हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो क्या हो गया, साइन क्यू एक्स बराबर क्या हो गया, थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस वन बाई फोर साइन थ्री एक्स हो गया। अब देखो तो साइन क्यूब एक्स के जगह पे, मतलब इसके जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, इसको डाल सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, इसको डाल सकते हैं, तो बस डाल दो, क्या करो डाल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब एक्स के जगह पे क्या, थ्री बाई फोर साइन एक्स, थ्री बाई फोर साइन एक्स माइनस का वन बाई फोर साइन क्यू थ्री एक्स, वन बाई फोर साइन थ्री एक्स, इस तरीके से dx हो गया। अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग कर लेंगे, क्या करेंगे अलग अलग कर लेंगे, चलो अलग अलग कर लेते हैं, तो अलग अलग कर लो, 3 by 4 sin x minus, अलग अलग किए तो क्या हो गया 1 by 4, अच्छा यहां पे dx छूट गया ना, dx minus 1 by 4 sin 3x dx हो गया, इस तरीके से बताओ हो गया ना। अब देखो ये 3 बाई फोर क्या आ गया, बाहर कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा अंदर में साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, माइनस 1 बाई फोर कॉमन मतलब कॉन्स्टेंट बाहर, तो क्या हो जाएगा साइन 3x डी एक्स हो जाएगा। अब इस चीज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 बाई फोर साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा,
और माइनस वन बाय फोर, और कॉस थ्री एक्स का क्या होता है, तो कॉस थ्री का एक्स का कॉफिशियंट मतलब इनटू एक्स का कॉफिशियंट थ्री है तो वन बाय थ्री, इनटू साइन थ्री एक्स का क्या होता है माइनस कॉस थ्री एक्स हो जाएगा इस तरीके से प्लस का सी, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, थ्री बाई फोर, थ्री बाई फोर कॉस एक्स माइनस थ्री बाई फोर कॉस एक्स माइनस वन बाई ट्वेल्व कॉस थ्री एक्स प्लस का सी, यही जो है क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है चलो, तो इसको बनाने में शायद आप लोगों को अब परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो तो क्या आप लोग इसको बना लोगे, क्या आप लोग इसको बना लोगे अच्छे तरीके से, बोलो अच्छे तरीके से इसको बना सकते हो ना। फॉर्मूला डाल दिए, हम लोगों को सब्सटीट्यूट करना है, तो सब्सटीट्यूट करना है तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला डाल दिए, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला यह आता है। ठीक है, बस वैल्यू डाल दिए, अलग अलग किए, उसका इंटीग्रेशन कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, बस हो गया। चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर जो है हम लोग आज के क्लास ऑफ करेंगे अपना, क्योंकि टाइम तो हो गया। चलिए तो हो गया, ठीक है, तो अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो करना है करो, और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से जाके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। अच्छा याद रखना, टेलीग्राम पे मैसेज नहीं हो पाता है, टेलीग्राम पे मैसेज आप नहीं कर पाओगे, मैसेज करना है तो आपको हमारा टेलीग्राम नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, टेलीग्राम नंबर पे आप मैसेज कीजिए हमें, हम आपकी मैसेज का रिप्लाई देंगे। ठीक है चलिए, और देते भी हैं। ठीक है चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है।